90 के दशक में 8 बार विभिन्न वर्गों में नेशनल खेल चुके सुभाष चंचला मुख्यालय हमीरपुर के मुख्य बाजार में जूतों की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। सरकार की बेरुखी का शिकार हुए सुभाष अब खेलना भी छोड़ चुके हैं और अपने बच्चों को भी खेलों से दूर ही रखा है। सुभाष का कहना है कि अनुराग ठाकुर अब खेल मंत्री बने हैं तो उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि उनका तो अब समय निकल गया है, लेकिन उनको उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए कुछ न कुछ सरकार करेगी। इससे पहले भी कई मंचों पर सुभाष चंद के लिए नौकरी की गई सामाजिक संगठन मांग उठा चुके हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी इस बाबत पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब नौकरी शुरू की थी, उस वक्त तो काफी कमियां थी, आज के जमाने के हिसाब से तो बहुत ही कमियां थी, लेकिन हमने फिर भी मेहनत की और आगे निकलने के लिए हमें जो भी चीज़ है, टूटी हॉकी मिली, टूटी हॉकी से खेले, टूटे पैड मिले, टूटे पैड से खेले। मैं गोलकीपर रहा हूँ हिमाचल का, और 78 में पहला नेशनल जो है दिल्ली में खेला था। उसके बाद लगातार ही नेशनल खेलते गए, स्कूल नेशनल हुआ दिल्ली में, उसके बाद कलकत्ता में हुआ, अपना कोल्हापुर में हुआ। ये सब नेशनल मेरे 7-8 नेशनल बनते हैं जो मैंने खेले हुए हैं, सीनियर जूनियर सब खेले हैं। और उस वक्त का टाइम जो था बहुत ही नाजुक था, आज के हालात अच्छे हैं, उस वक्त इस तरह के हालात नहीं थे। जो ऑफर तो मुझे काम मिला, मैंने ITI की हुई है, मोटर मैकेनिक की हुआ मैंने 2 साल का डिप्लोमा, लेकिन कहीं भी नहीं इंटरव्यू। एक आध बार आया, वो भी आया 10 साल के बाद। अब 10 साल का गैप पड़ने के बाद हम क्या इंटरव्यू देंगे? तो 7-8 नेशनल खेलने के बाद हिमाचल ही हमें नौकरी ना दे तो बाहर तो मिलेगी नहीं। ऐसा है कि हॉकी का तो हमें क्रेज बहुत है, अगर कहीं भी मैच लगा हो, कहीं भी हो, अब हम सब काम छोड़ देंगे, लेकिन मैच जरूर देखेंगे, क्योंकि हम हरे अंदर है वो जलवा। अब हमारे साथ जो खेले वो बेचारे एक्सपायर हो चुके हैं। एक पवन कुमार थे हमारे फुल बाइक रहे थे हॉकी के, और वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट भी हुए थे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। और एक हमारे प्रेमचंद है, मरोड़ी कहते थे, निक नेम उसका मरोड़ी है, उसने ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट खेला है, लेकिन खेला वो भी हमारे साथ ही है। हम हिमाचल की तरफ से गए, वो ऑल इंडिया लेवल के हैं। ये अपने जितने भी सुरजीत हॉकी के जो प्लेयर थे, ओलंपिक प्लेयर थे, इनके साथ हम खेले हैं। गुरमेल है, सुरजीत है, प्रगट सिंह है, इन सब के साथ हमारा तो नहीं। अब उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं ना, वो नए बने हैं, उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अपने इलाके के खेल मंत्री बने हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे बारे में सोचें और आगे हमें जागृत करें, तो इसका हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो हम और जागृत हो जाएंगे और प्लेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हमारा हिमाचल में तो पहला नंबर था ही हमीरपुर का हॉकी में, टॉप में हमीरपुर इजिया करता था। पहले खेलते थे स्कूल टाइम में, की थी स्टार्ट पर मना कर दिया था घर वालों ने, तो फिर हमने छोड़ दी। रीज़न एक ही था कि इनको फ़ायदा नहीं मिला, तो हमें तो दूर की बात है, क्योंकि आज के समय में हम अगर देखते हैं तो एक नेशनल के बाद ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है। यहाँ पे 11 खेलने के बाद कुछ नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि सीधा कि नहीं खेलना है। फिर हमने कभी भी नहीं किया ट्राई कि गेम्स के साइड में हम कभी जाएं।